नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू आपनो अंबु सर। मारी यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। मित्रों, धोरण 12 तत्वज्ञान प्रकरण नंबर 2 नो खूबज मोस्ट इम्पोर्टंट प्रश्न जे ई विभागना 44 नंबर में 5 गुण में पूछाय छे, एवा प्रश्ननी आजे हूँ तमारी आगळ चर्चा करवानो छू। मित्रों, हूँ प्रश्ननी शुरुआत करूँ ए पहला, हजू पण आप नवा हो तो मारी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवानो भूलशो नहीं अने वीडियो ने अंत सुधी जोवानुं पण चूकशो नहीं। मित्रों, आजनो प्रश्न ए छे के नीचे आपेली दलीलनी प्रातीक रजूआत करी अने सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करी अने तेनु प्रामाण्य नक्की करवानो छे। मित्रों, आ प्रश्न 5 गुणनी अंदर ई विभागना 44 नंबर में 100% पूछाय छे अने एटले ज आ प्रश्ननी शुरुआत करीए पहला, मैं तमने अगाउना वीडियोज में मैं माहिती आपी, शुं माहिती आपी कि तर्कशास्त्र ए दलीलोनो अभ्यास करे छे। दलीलोनो मूल्यांकन तर्कशास्त्रीओ प्रामाण्य के अप्रामाण्यनी परिभाषा में करे छे। मित्रों, प्रामाण्य के अप्रामाण्यनी परिभाषा कई? कोई पण दलील कां तो प्रमाणभूत होय छे कां तो अप्रमाणभूत होय छे। मित्रों, दलील ने कां तो प्रमाणभूत छे एम कहेवू पड़े कां तो अप्रमाणभूत छे एम कहेवू पड़े। पण मैं तमने समझाव्युं के प्रमाणभूत दलील एटले शुं अने अप्रमाणभूत दलील एटले शुं। प्रमाणभूत दलील क्यारे बने? जे दलीलना आधार विधानों सत्य होय अने फलित विधान पण सत्य होय ते दलील प्रमाणभूत दलील होय छे। मित्रों, दलील अप्रमाणभूत क्यारे बने? जे दलीलना आधार विधानों सत्य होवा छता फलित विधान असत्य होय छे ते दलील अप्रमाणभूत होय छे। तो मित्रों, दलील प्रमाणभूत छे के अप्रमाणभूत ए नक्की करवा माटेनी आपणे सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो अभ्यास अगर करी चूक्या। एमां मैं तमने सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीत एटले शुं ए तमने विस्तारथी समझाव्युं। हवे हूँ अहींया जे ई विभागना 5 गुणनी अंदर 44 नंबरमां पूछातो जे प्रश्न छे ने ए प्रश्नने स्वाध्याय 2 प्रश्न नंबर 2 जे 10 दलीलो आपेली छे ने एमांथी हूँ अहींया केटलाक उदाहरणों तमने समझावुं छूं। तो आपणे एवा उदाहरणोने झड़पथी समझीए। तो जुओ, फरीथी कहूँ छूं कि प्रश्नपत्रमां तमने आ मुजबनी सूचना आपेली जशे। कई? के नीचे आपेली दलीलनी प्रातीक रजूआत करो अने सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करीने तेनुं प्रामाण्य नक्की करो। तो मित्रों, अहींया तमने एक दलील आपेली छे। जो अहींया मैं एक नंबर उपर एक दलील लखी छे। कई? जो आ पर्वत धूम्रस्थान छे तो आ पर्वत अग्निस्थान छे। आ दलीलनुं प्रथम आधार विधान। नंबर 2, बीजू आधार विधान, आ पर्वत धूम अग्निस्थान नथी। बीजू आधार विधान छे मित्रों, अने तेथी शब्द पछी जे विधान आवतुं होय फलित विधान, तेथी आ पर्वत धूम्रस्थान नथी आ फलित विधान छे। मित्रों, आ दलील वास्तविक उदाहरण छे। आपणे जो आ दलील प्रमाणभूत छे के अप्रमाणभूत ए नक्की करवुं होय तो पहला तो आपणे एने प्रातीक भाषामां रजू करवी पड़े अने प्रातीक भाषामां रजू करवी होय तो सौ प्रथम आपणे दलीलनी प्रातीक रजूआत करवी पड़े। दलीलनी प्रातीक रजूआत करवी होय तो सौ प्रथम दलीलनी अंदर आवता सादा विधानोनी संख्या नक्की करवी पड़े अने ए सादा विधानो माटे प्रतीकोनी पसंदगी करवी पड़े। तो मित्रों, सौ प्रथम आपणे आ दलीलनी अंदर केटला सादा विधानो आवे छे ए नक्की करीशुं। केटला सादा विधानो आवे छे? 2। कया? आ पर्वत धूम्रस्थान छे, एक सादु विधान। आ पर्वत अग्निस्थान छे, बीजू सादु विधान। अहींया बीजा आधार विधानमां
आ पर्वत अग्निस्थान नथी, एमां आ पर्वत अग्निस्थान छे ए मूळ विधान समायेलू छे ए फरीथी आवे छे। फलित विधान में आ पर्वत धूम्रस्थान नथी ए एमां मूळ विधान आ पर्वत धूम्रस्थान छे ए समायेलू छे। एनो मतलब के आखीय दलील में फक्त बे ज सादा विधानों छे अने ए बन्ने सादा विधानों माटे आपणे ए थी जेड सुधीना कोई पण बे कैपिटल अक्षर जेने आपणे विधान परक अचल तरीके ओळखीए छे एने पसंद करीशुं। अहींया ए थी जेड सुधीना कोई पण विधान परक अचलनी पसंदगी करवी एने कहेवाशे संकेतावली। आपणे सादा विधानों माटे संकेत मूकवो पड़शे, ए संकेतावली पसंद करीशुं। तो आ संकेतावली में शुं करशो के सादा विधान माटे कोई पण बे कैपिटल अक्षरों की पसंदगी करो। मैं तमने अगाउ पण कहीतु मित्रों के ज्यारे पण प्रातीक रजूआत करवानी आवे त्यारे मारो नियम याद राखजो ए बी सी डी कैपिटल अक्षरनी ज पसंदगी करो, अने ज्यारे रूपनी रजूआत करवानी आवे त्यारे पी क्यू आर एस वगैरह कैपिटल नहीं तेवा नाना अक्षरोनी पसंदगी करो। तो अहींया आपणे कैपिटल अक्षरोनी पसंदगी करीशुं कारण के अहींया प्रातीक रजूआत करवानी छे। मित्रों जुओ आ दलीलनी अंदर बे सादा विधानों छे, आ पर्वत धूम्रस्थान छे एना माटे हूँ ए विधान परक अचलनी पसंदगी करूँ छूँ। बीजू आ पर्वत अग्निस्थान छे एना माटे हूँ बी विधान परक अचलनी पसंदगी करूँ छूँ। अहींया आ बन्ने सादा विधानों प्रथम आधार विधान में जो तो शब्द एटले के जो तो कारक थी जोड़ायेला छे तो आपणे जो तो कारक माटे शरती प्रतीक मूकीशुं। बीजा आधार विधान में आ पर्वत अग्निस्थान छे ए नथी कारक वडे एनो निषेध थयेलो छे तो नथी शब्द माटे आपणे निषेध कारक मूकीशुं। फलित विधान में आ पर्वत धूम्रस्थान नथी तो एमां आ पर्वत धूम्रस्थान छे एमनो नथी शब्द वडे निषेध करेलो छे तो आपणे नथी शब्द माटे पण निषेध कारक मूकीशुं। तो मित्रों आ दलीलनी प्रातीक रजूआत शुं बने छे, बराबर ध्यान आपजो। आपणी प्रातीक रजूआत खोटी पड़वी जोईए नहीं, जो प्रातीक रजूआत खोटी पड़ी तो बधो जवाब खोटो पड़ी शके छे। एटले प्रातीक रजूआत करवामां बहु ज ध्यान राखीशुं। हवे ध्यान आपो, पहलू आधार विधान जुओ, जो आ पर्वत धूम्रस्थान छे तो आ पर्वत अग्निस्थान छे आ शरती विधान कहेवाय। मित्रों आपणे शरती विधान संयुक्त विधान छे एमां शरती विधान छे, बे सादा विधानों जो तो कारकथी जोड़ायेला छे तो आ पर्वत धूम्रस्थान छे एना माटे आपणे अहींया शुं पसंद कर्युं ए तो अहींया आपणे ए मूकीशुं। जो तो शब्द माटे क्यूँ प्रतीक मूकीशुं, शरती। आ पर्वत अग्निस्थान छे एना माटे क्यूँ प्रतीक अहींया लीधुं, बी, तो अहींया पण आपणे बी मूकीशुं। तो आ ए शरती बी, आ पर्वत धूम्रस्थान छे तो आ पर्वत अग्निस्थान छे ए शरती विधाननी प्रातीक रजूआत शुं बनी, प्रथम आधार विधाननी, ए शरती बी। नंबर बे मित्रों बीजू आधार विधान जुओ, आ पर्वत अग्निस्थान नथी निषेध विधान छे। कई विधान छे? निषेध। कोनो निषेध कर्यो छे? आ पर्वत अग्निस्थान छे ए सादा विधाननो। आ पर्वत अग्निस्थान छे एना माटे आपणे क्यूँ प्रतीक मूक्युं हतुं, अहींया क्यूँ प्रतीक पसंद करेलू छे, बी, तो आ पर्वत अग्निस्थान नथी एना माटे आपणे शुं करीशुं, बीनो निषेध करीशुं। शुं करीशुं मित्रों? बीनो निषेध। आ पर्वत अग्निस्थान छे बराबर बी, तो आ पर्वत अग्निस्थान नथी बराबर निषेध बी। फलित विधान जुओ मित्रों, आ पर्वत धूम्रस्थान नथी आ पण निषेध विधान छे, तो कोनो निषेध? आ पर्वत धूम्रस्थान छे ए सादा विधाननो निषेध। आ पर्वत धूम्रस्थान छे ए सादा विधान माटे आपणे क्यूँ प्रतीक मूक्यू, ए, तो अहींया पण फलित विधान में शुं करीशुं के आ पर्वत धूम्रस्थान नथी बराबर शुं मूकशो, निषेध ए। समझाय छे मित्रों? तेथीनी संज्ञा माटे आपणे अहींया आवी रीते संज्ञा मूकीशुं अने फलित विधान निषेधे बने छे। तो जो मित्रों
शू प्रातिक रजूआत बनी आ दलील नी प्रथम आधार विधानी प्रातिक रजूआत थी ए शरती बी बीजा आधार विधानी प्रातिक रजूआत बनी निषेध बी अने फलित विधानी प्रातिक रजूआत बनी निषेध ए एम करीने आखीय दलीलनी आ मुजब प्रातिक रजूआत करवी पड़े फरीथी प्रातिक रजूआत खोटी न पड़े एटला माटे दलीलनी प्रातिक रजूआत फरीथी पण चकासणी करवी पण प्रातिक रजूआत क्यारे खोटी पड़वी जोईए नहीं। मित्रों मैं तमने सदेदा कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीत समझावी त्यारे मैं तमने एक बात कही थी कि भाई आपणे आ दलील प्रमाणभूत छे के अप्रमाणभूत ए सदेदा कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करीने आपणे एनुं प्रामाण्य तपासवानुं छे। तो अहींया मैं तमने एक नियम कह्यो तो शुं कह्यो तो कि जे दलीलमां एक करता वधारे आधार विधान होय तो आपणे एने समुच्चय रूपे जोड़वानो एक रिवाज दाखल कर्यो हतो। दलीलमां फलित विधानी संख्या तो एक ज होय छे पण आधार विधानी संख्या एक करता वधारे होई शके छे। जो दलीलमां एक करता वधारे अहींया आधार विधान होय अहींया बे आधार विधान छे तो आपणे एने एक ज आधार विधान बनाववुं पड़शे। तो एना माटे शुं करीशुं आधार विधानो समुच्चय कारक थी जोड़ो समुच्चय थी जोड़ीशुं तो बन्ने आधार विधानों ए एक ज आधार विधान बनी सके छे। कई रीते बनशे जुओ कई रीते जोड़वाना ए शरती बी समुच्चय निषेध बी आ ए शरती बी प्रथम आधार विधान निषेध बी बीजू आधार विधान बन्ने आधार विधानों समुच्चय कारक थी जोड़ा। तो मित्रों समुच्चय सर्वोपरि रहे एटला माटे आपणे ए शरती बी ने कौंसबद्ध करीशुं अने आ समुच्चयमांथी फलित विधान ने फलित थतुं के निष्पन्न थतुं बतावीशुं। तो आ थई एक ज आधार विधान अने फलित विधान वाळी दलील। आपणे सदेदा कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीत ज्यारे समझ्या त्यारे एम कहेलुं के ज्यारे पण दलीलनो आधार विधान अने फलित विधानों सदेदा कोष्टक रचो त्यारे फलित विधानों स्तंभ सदेदा कोष्टक में छेल्ले आवे अने आधार विधानों स्तंभ फलित विधान करता एक नंबर आगळ आवे एवी रीते तमारे आद्य स्तंभ गौण स्तंभोनी रचना करवी। तो हवे आपणे आ आधार विधान अने फलित विधान ने लगतो सदेदा कोष्टक रचीशुं। मित्रों आपणने सदेदा कोष्टकनी रचना करता आवडे छे अगाउना प्रकरणमां आपणे सदेदा कोष्टकनी रचना कई रीते करवी ए नियमो अहींया पण लागू पड़े छे। तो ए रीते आपणे सदेदा कोष्टकनी रचना करो। तो मित्रों जुओ आ दलीलमां केटला सादा विधानो छे बे तो आपणे बे आद्य स्तंभ रचीशुं। नंबर एक कया बे सादा विधानो एक ए अने बीजू बी एक नंबर उपर ए बे नंबर उपर बी बे आद्य स्तंभ। मित्रों आमां गौण स्तंभ केटला आवशे जो आधार विधानमां शरती कारक छे समुच्चय कारक छे निषेध कारक छे तो आ त्रण कारकोनुं क्षेत्र तमे तपासो। सर्वोपरि कारक कयो छे समुच्चय एनी डाबी बाजु शरती कारक छे अने जमणी बाजु निषेध कारक छे तो आपणे सौथी पहेला आपणे निषेध कारकने अहींया लईए तो निषेध बी तो निषेध कारक बी ने लागू पड़े छे तो त्रीजा नंबर उपर गौण स्तंभ उपर निषेध बी आवे। समुच्चयनो डाबी बाजुना क्षेत्रमां शरती कारक आवे छे शरती कोने लागू पड़े छे ए अने बी ने तो अहींया चौथा नंबर उपर कई विधान आवशे ए शरती बी। त्यार पछी समुच्चय कारक आखा आधार विधानने लागू पड़े छे तो अहींया पांचमा नंबर उपर आखू आधार विधान आवशे तो ए समूह शरती बी समुच्चय निषेध बी आ आधार विधान छे। तो मित्रों एनी उपर आपणे लखीशुं के आधार विधान छे। त्यार पछी आधार विधान पूरू थई जाय त्यारे छेल्ले फलित विधान आवे एवी रीते तमे गौणस्तंभ रचो। अहींया फलित विधान तेथीनी संज्ञा पछी कयुं फलित विधान छे निषेधे एनो निषेध तो अहींया एनो निषेध तो अहींया लखीशुं निषेध ए। आ थई आद्य स्तंभ गौण स्तंभनी रचना। मित्रों
हवे आपणे आद्यस्तंभ गौणस्तंभ रच्या पछी हरोळनी संख्या नक्की करीशुं। तमने खबर छे के बे आद्यस्तंभ होय तो केटली हरोळो आवशे? चार। एक बे त्रण चार हरोळनी संख्या नक्की कर्या पछी आद्यस्तंभमां टीएफनी गोठवणी करो। पहला नंबरना आद्यस्तंभमां केटला टी केटला एफ आवशे? बे टी बे एफ। बीजा नंबरना आद्यस्तंभमां चार हरोळ होय तो केटला टी अने केटला एफ आवशे? एक टी एक एफ एक टी एक एफ। आद्यस्तंभमां टीएफनी गोठवणी थया पछी अहींया गौण स्तंभोमां टीएफनी गोठवणी करो। गौण स्तंभमां त्रीजा नंबर उपर कयुं विधान छे? निषेध बी। चलो कोनो निषेध? बी नो। बी कया नंबर उपर आप्युं छे? बीजा नंबर उपर। बीजा नंबरनो निषेधनो सतता मूल्यना नियमनो उपयोग करीने टीएफनी गोठवणी करो। निषेध प्रमाणे टी होय तो एफ अने एफ होय तो टी मूको। तो अहींया बीनी अंदर पहली हरोळमां अहींया टीएफ टीएफ छे तो आपणे अहींया निषेध बीमां शुं करीशुं? बीनो निषेध करवो होय तो एफ टी थई जशे। शुं थशे? एफ टी। कारण के आवी रीते थोड़ी झड़प राखवी पड़शे। शरती जुओ चौथा नंबर उपर शरती विधान छे। पूर्वांग ए एक नंबर उपर छे अने उत्तरांग बी ए बे नंबर उपर आपेलू छे। एक अने बे नो शरतीना नियम प्रमाणे टीएफनी गोठवणी करो। शरतीनो नियम शुं कहे छे मित्रों? टी एफ होय तो एफ एटले के पूर्वांग सत्य अने उत्तरांग असत्य तो शरती असत्य नहीं तो सत्य। तो एवी कई हरोळ छे के जेमां पूर्वांग सत्य ने उत्तरांग असत्य पहला नियमनुं पालन बताओ? तो बीजी हरोळमां ए शरती बी असत्य बने छे, बाकीनी बधी हरोळमां सत्य बने छे। तो अहींया टीएफनी गोठवणी थई गई। हवे पांचमा नंबर उपर ए शरती बी समुच्चय निषेध बी आवुं विधान आपेलुं छे, जे आधार विधान छे, समुच्चय विधान छे। समुच्चयनो पहेलो समुच्चित ए शरती बी चार नंबर उपर आप्यो छे जेनो उपयोग करीशुं, अने समुच्चयनो जमणी बाजुनुं विधान निषेध बी ए त्रण नंबर उपर आप्युं छे तो त्रीजा नंबरना स्तंभनो उपयोग करीशुं। चौथा अने त्रीजा नंबरना स्तंभनो उपयोग करी समुच्चयना सत्यता मूल्यना नियमनो उपयोग करीशुं। मित्रों समुच्चयनो नियम शुं कहे छे? टीटी होय तो टी मूको नहीं तो एफ मूको। तो अहींया टीटीनी होय एवी कोई हरोळ छे? हा जुओ चौथा नंबर उपर पहला नियमनुं पालन बताओ। चौथा नंबर उपर बंने विधानो टीटी छे एटले के सत्य छे तो अहींया सत्य आवशे, बाकीना बधामां एफ आवशे। तो अहींया टीएफनी गोठवणी थई गई। हवे छेल्लू छठ्ठा नंबर उपर निषेधे फलित विधान छे। आ निषेधे तो कोनो निषेध? एनो निषेध। ए विधान आगळना स्तंभमां क्यां आपेलू छे? एक नंबर उपर। एक नंबरना स्तंभनो आपणे निषेध करीशुं। निषेधना नियम प्रमाणे टी होय तो एफ अने एफ होय तो टी। तो अहींया एक नंबर उपर एमां शुं छे? टी टी एफ एफ छे। तो अहींया शुं मूकीशुं आपणे? एफ एफ टी टी। समझाय छे मित्रों? तो अहींया सत्यता कोष्टकनी आ रीते अहींया रचना करी। जुओ मैं तमने आ सत्यता कोष्टक केवी रीते रचायो, तो आपणे सत्यता कोष्टकनी रचना तो करी लीधी मित्रों, पण हवे आ दलील प्रमाणभूत छे के अप्रमाणभूत एनो निर्णय करवो पड़शे। सौथी महत्वनो प्रामाण्यनो निर्णय छे। आ प्रामाण्यनो निर्णय आपणो खोटो न पड़वो जोईए मित्रों खास। तो प्रामाण्यनो निर्णय केवी रीते लेशो? मैं तमने सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतमां समझावी दू। शुं समझावी दू? के प्रामाण्यनो निर्णय माटे तमारे शुं करवानुं? सत्यता कोष्टकमां आधार विधानी बधी हरोळो जोवानी, बधी। अहींया चार हरोळ छे तो चारे चार हरोळ जुओ, पहली बीजी त्रीजी चौथी। कई हरोळमां आधार विधान सत्य बने छे मित्रो? चौथी हरोळमां। कई हरोळमां? चौथी हरोळमां। जुओ अहींया हूँ फरीथी, चौथी हरोळमां आधार विधान सत्य बने छे, अने ए ज हरोळमां फलित विधान शुं बने छे? ए ज हरोळ चौथी हरोळमां फलित विधान पण अहींया सत्य बने छे। तो मित्रों मैं तमने कह्युं हतुं के आधार विधान सत्य होय अने ए ज हरोळमां फलित विधान सत्य होय तो दलील शुं बने? प्रमाणभूत। बीजी वात, आधार विधान सत्य होय અને એ જ હરોળમાં ફલિત વિધાન અસત્ય હોય એવી એક પણ હરોળ મળી આવે છે ખરી? ના,
जुओ पहली अरोड में नहीं, बीजी अरोड में पण नहीं, त्रीजी अरोड में पण नहीं, कि आधार विधान सत्य ने फलित विधान असत्य होय एवी आपणे एक पण अरोड मळती नहीं। तो एनो मतलब शुं थयो कि आधार विधान सत्य छे, फलित विधान पण सत्य छे, तो पछी आ दलील प्रमाणभूत बने छे एवो निर्णय तमारे लेवो पड़े। तो अहीं प्रमाणेनो निर्णय आपणे लखीशुं कि आ सदिदा कोष्टकनी आ खाली जग्या कई कई अरोड में अहीं आधार विधान सत्य बने छे, तो अहीं अरोड नो नंबर लखीशुं आपणे। चौथी अरोड में आधार विधान सत्य बने छे, तो अहीं चार नंबर लखी सको छो। चौथी अरोड में आधार विधान सत्य छे, एज हरोड़ में फलित विधान पण शू बन्यु अहीं सत्य, तो आपणे अहीं लख्युं सत्य छे। अने तेथी आ दलील शू बने छे, प्रमाणभूत बने के अप्रमाणभूत बने, तो शू बनशे प्रमाणभूत। तो अहीं लखीशुं के आ दलील प्रमाणभूत छे। तो समझायुं मित्रों कई रीते आ दलील प्रमाणभूत बनी ए मैं तमने अहीं समझाव्युं। तो आ दलील आ पर्वत धूम्रस्थान छे, तो आ पर्वत अग्निस्थान छे, आ पर्वत अग्निस्थान नथी, तेथी आ पर्वत धूम्रस्थान नथी। आ दलील सदिदा कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करीने तपासियो तो आ दलील प्रमाणभूत बने छे एवो निर्णय आपणे लीधो। तो आ प्रश्न पांच गुणनो बने छे मित्रों। जो आ पांच गुणमां तमारे शुं याद राखवानुं, प्रातिक रजूआत करो एटले तमने एक गुण मळी जाय, बीजू एने तमे समुच्चय रूपे आधार विधानों ने समुच्चय रूपे जोड़ो त्यारे बीजो गुण मळी जाय, सत्यता कोष्टकनी रचना करो एटले वळी पाछा बे गुण मळे, अने प्रामाण्यनो निर्णय करो त्यारे एक गुण मळे, एम करीने कुल पांच गुणनो प्रश्न बने छे। मित्रों बहु ज सरळ छे, तमे एक वखते सारी रीते समझी लो तो तमने अहींया पांचमांथी पांच गुण मळी शके छे। मित्रों हजु पण तमे आ प्रश्न ने वधु सारी रीते समझी सको एटला माटे आपणे बीजू एक उदाहरण लईशुं। तो जुओ अहींया अहींया मैं एक बीजू उदाहरण लीधुं छे। क्यूँ उदाहरण लीधुं छे कि जो हरजी हसे छे तो रूड़की ने रीस चढ़े छे, रूड़की ने रीस चढ़ती नथी, बीजू आधार विधान, तेथी फलित विधान हीरजी हसे छे। तो आप दलील कहेवाशे, शुं कहेवाशे मित्रों दलील कहेवाशे। फरीथी कहूँ छू, प्रथम आधार विधान में बे सादा विधानों कया कारक थी जोड़ायेला छे, जो तो कारक थी जोड़ायेला छे। तो अहींया हीरजी हसे छे, रूड़की ने रीस चढ़े छे, बे सादा विधानों छे। आ बने सादा विधानों अहींया बीजा आधार विधान में पण रूड़की ने रीस चढ़े छे, ए सादा विधानों नथी कारक वड़े निषेध करेलो छे। अने फलित विधान तेथी शब्द हीरजी हसे छे आ सादु विधान अहीं फरीथी आव्यु। तो एनो मतलब कि आ दलील में कुल बे सादा विधानों छे। मित्रों आ दलील प्रमाणभूत छे कि अप्रमाणभूत नक्की करवा माटे आपणे सौ प्रथम दलीलनी प्रातिक रजूआत करीशुं, प्रातिक भाषा में रजू करीशुं। प्रातिक भाषा में रजू करवी होय तो सौथी पहेलुं काम तमारे शुं करवानुं, संकेतावली बनावानी, एमां आवता सादा विधानों माटे प्रतीकोनी पसंदगी करो, एथी जेड सुधीना कोई पण कैपिटल अक्षर ने पसंदगी करी शकाय। मित्रों हूँ अहीं तमारुं खास ध्यान दौरवा मागुं छुं कि मोटा भागना विद्यार्थीओ संकेतावली में कैपिटल अक्षर ने बदले नाना अक्षरो परिवर्तीओ पसंद करे छे, अने जो तमे परिवर्तीओ पसंद करो तो ए तमारी प्रातिक रजूआत खोटी पड़े छे। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, માટે મેં તમને પેલો નિયમ યાદ કરાવ્યો, કયો? કે પ્રાતિક રજૂઆત કરવી હોય તો એ બી સી ડી કેપિટલ, અને રૂપની રજૂઆત કરવી હોય તો પી ક્યુ આર એસ કેપિટલ, નહીં તેવા નાના અક્ષરો। તો સમજાયું? આ નિયમ યાદ રાખો એટલે કદી પણ ભૂલ થશે નહીં। તો હવે આપણે આ દલીલની પ્રાતિક રજૂઆત કરીશું। પ્રાતિક રજૂઆત કરીએ પહેલાં એમાં સાદા વિધાનો કયા છે એ શોધી કાઢો। ફરીથી અહીંયા લખીશું કે નંબર એક સાદુ વિધાન હીરજી હસે છે, અને નંબર બે સાદુ વિધાન રૂડકીને રીસ ચડે છે। અહીંયા પણ આપણે એથી જેડ સુધીના ગમે તે કેપિટલ અક્ષરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, પણ મારો નિયમ તો મેં એક જ વાત કરી કે હંમેશા એ બી સી ડી કેપિટલ જ લેવા। તમને કાયમ માટે યાદ રહેશે કે એ બી સી ડી જ કેપિટલ અક્ષર તરીકે મૂકવા,
एक सादु विधान हो तो ए, बे सादा विधान हो तो ए बी, त्रण हो तो ए बी सी, चार हो तो ए बी सी डी। कैपिटल अक्षर पसंद करी अने तमारे प्रातिक रजूआत करवी। तो अहीं हिरजी हसे छे बराबर ए सादु ए सादु विधान एटले के ए प्रतीक मूकू। रुड़की ने रीस चढ़े छे बराबर बी विधान पर कचल मूकू। तो आ दलील प्रातिक रजूआत शू बने? जुओ दलील प्रातिक रजूआत करीशू। पहलू विधान जुओ, आधार विधान, जो हिरजी हसे छे तो रुड़की ने रीस चढ़े छे। आ कई विधान कहवाय मित्रों? शर्ती विधान छे। कयु छे? शर्ती विधान। शर्ती विधान नी जेम प्रातिक रजूआत करो। बे सादा विधानों जो तो कारक थी जोड़ायेला छे, तो हिरजी हसे छे बराबर अहीं शू आपणे प्रतीक लीधुं? ए, कैपिटल ए। तो अहीं कैपिटल ए जो तो माटे शू मूकीशू? शर्ती कारक। रुड़की ने रीस चढ़े छे, बीजू सादु विधान बराबर कयु प्रतीक लीधो? अहीं बी। तो एनी पहला आधार विधान नी प्रातिक रजूआत शू बनी? ए शर्ती बी। नंबर बे, बीजू आधार विधान जुओ, रुड़की ने रीस चढ़ती नथी, निषेध विधान छे। कई विधान छे मित्रों? निषेध विधान छे। आ निषेध विधान में कया विधान नो निषेध कर्यो छे जरा ध्यान आपो। रुड़की ने रीस चढ़े छे ए मूल सादा विधान नो नथी शब्द वड़े निषेध थयो कहेवाय। तो रुड़की ने रीस चढ़े छे बराबर आपणे कयु प्रतीक मूक्यु अहींया? बी। तो रुड़की ने रीस चढ़ती नथी बराबर शू आवे बीजा आधार विधान में? निषेध बी। समझायु? नंबर त्रण, त्रीजू फलित विधान, तेथी माटे आपणे संज्ञा मूकीशू, तेथी नी संज्ञा करीशू। त्यार पछी कयु विधान आवे छे? हिरजी हसे छे, सादु विधान छे। तो हिरजी हसे छे एना माटे आपणे कयु प्रतीक मूक्यु छे अहींया? ए। तो अहींया पण आपणे शू मूकीशू? ए। तो आ थई दलीलनी प्रातिक रजूआत। शू बनी? ए शर्ती बी, निषेधे माटे ए, सॉरी, ए शर्ती बी, निषेध बी माटे ए। आ दलीलनी प्रातिक रजूआत। तो आ दलील आ प्रातिक भाषा में रजू थयेली छे। हवे आ दलील प्रमाणभूत छे के अप्रमाणभूत ए नक्की करवू छे। तो मित्रों, मैं तमने कही दू के एनो सद्धता कोष्टक रचवो पड़े, पण सद्धता कोष्टक रचता पहेला मैं तमने ए पण कह्युं के दलीलमां फलित विधानी संख्या तो एक ज होय, पण घणी दलीलो एवी छे ने के जेमां आधार विधानी संख्या एक करता वधारे होय छे। तो आपणे शुं करीशुं? एक ज आधार विधान अने फलित विधान वाळी दलील बनावीशुं। आपणे एक आधार विधान अने फलित विधान वाळी दलील बनावी होय तो आधार विधानोने शुं करवुं पड़शे? समुच्चयथी जोड़वा पड़शे, समुच्चय कारकथी जोड़ी दो। અહીંયા બે આધાર વિધાનો છે, પહેલું આધાર વિધાન એ શરતી બી, બીજું આધાર વિધાન નિષેધ બી। આ બંનેને સમુચ્ચય કારકથી જોડો। કઈ રીતે જોડવા? અહીંયા ધ્યાન આપો, જુઓ, એ શરતી બી આ પ્રથમ આધાર વિધાન, બીજું આધાર વિધાન સમુચ્ચય કારક મૂકી અને નિષેધ બી આ બીજું આધાર વિધાન। પણ અહીંયા સમુચ્ચય સર્વોપરી રહે એવી રીતે તમારે એને કૌંસ કરવો। તો એ શરતી બીને મારે નાના કૌંસમાં મૂકવું તો જ સમુચ્ચય વિધાન બને। ઘણા મિત્રો અહીંયા કૌંસનો ઉપયોગ કરવાનું ભૂલી જાય છે તો ખોટું પડી શકે છે મિત્રો। તો અહીંયા કૌંસનો ઉપયોગ કરવો પણ જરૂરી છે। સમુચ્ચય કારકને સર્વોપરી બને એના માટે કૌંસનો ઉપયોગ કરી શકો છો। આ સમુચ્ચયમાંથી ફલિત વિધાનને અહીંયા નિષ્પન્ન થતું બતાવો, ફલિત થતું બતાવો, એ ફલિત થાય છે। તો આ એક આધાર વિધાન અને ફલિત વિધાન વાળી દલીલ બની ગઈ। હવે આપણે આનો સદ્ધતા કોષ્ટક રચીશું। સદ્ધતા કોષ્ટક રચતા આપણને આવડે છે, તો અહીંયા સદ્ધતા કોષ્ટકનો મુદ્દો લખી હવે આપણે એનો સદ્ધતા કોષ્ટક રચો। મિત્રો, આમાં કેટલા સાદા વિધાનો છે? બે। બે સાદા વિધાનો હોય તો આદ્ય સ્તંભ કેટલા આવે? બે। એક નંબર ઉપર કયો આદ્ય સ્તંભ આવે? એ। અને બે નંબર ઉપર કયો આદ્ય સ્તંભ આવે? બી। બે સાદા વિધાનો છે, અહીંયા કેટલા કારકો છે? જુઓ, શરતી, સમુચ્ચય, નિષે, ત્રણ કારકો છે। તો આપણે ગૌણ સ્તંભોની રચના કરીએ। સમુચ્ચય સર્વોપરી હોય તો સમુચ્ચયની ડાબી બાજુ શરતી કારક છે અને સમુચ્ચયની જમણી બાજુ નિષેધ કારક છે। તો આ નિષેધ કારક કોને લાગુ પડે છે? બીને। તો અહીંયા ત્રીજા નંબર ઉપર નિષેધ બી લઈશું।
समुच्चय की जमणी बाजू सर डाबी बाजू सरती कारक है, सरती कारक कोने लागू पड़े ए अने बी ने, तो चौथा नंबर पर ए सरती बी लईए। अने पांचमा नंबर पर समुच्चय कारक लईशू, समुच्चय कारक लईए एटले आखू विधान आधार विधान आवी जाए। तो अहींया ए सरती बी समुच्चय निषेध, तो आधार विधान आवी गयुं। हवे शुं रह्युं मित्रों, फलित विधान। आधार विधान आवी जाए पछी फलित विधाननो अलग गौण स्तंभ एटले के छेल्ले रचवो। फलित विधानमां कयुं विधान छे ए, तो अहींया ए लखी देवो भले एमां कारक आवे के न आवे, आपणे फलित विधानना अलग स्तंभनी रचना करीशुं अने आधार विधानना पण अलग स्तंभनी रचना करीशुं अने ए मुजब ज अहींया आद्य स्तंभ गौण स्तंभनी गोठवणी करीशुं। चलो अहींया आद्य स्तंभ गौण स्तंभो गोठवाई गया, केटली हरोळो आवे? बे आद्य स्तंभ होय तो केटली हरोळ आवे? चार, एक बे त्रण चार। आद्य स्तंभ पहलू टीएफनी गोठवणी करो, बे टी बे। बीजा नंबरना आद्य स्तंभमां टीएफनी गोठवणी करो, टीएफ टीएफ। तो आद्य स्तंभमां टीएफनी गोठवणी थई गई, चार हरोळ होय तो आ मुजब टीएफनी गोठवणी करो मित्रों। ત્રીજા નંબર ઉપર કયું વિધાન છે નિષેધ? બી। કોનો નિષેધ? બીનો। બી કયા નંબર ઉપર આપેલું છે? બીજા નંબર ઉપર। તો આપણે અહીંયા બીજા નંબરના સ્તંભનો ઉપયોગ કરી નિષેધના નિયમ પ્રમાણે ટીએફની ગોઠવણી કરો। ચલો અહીંયા બી પહેલી અરોળમાં સત્ય હોય તો અહીંયા નિષેધ બી અસત્ય બને, બીજી અરોળમાં અસત્ય છે તો સત્ય, ત્રીજી અરોળમાં સત્ય છે તો અસત્ય, ચોથી અરોળમાં અસત્ય છે તો સત્ય, એ મુજબ ટીએફની ગોઠવણી કરો। નંબર ચાર કયું વિધાન છે? સરતી। સરતીનો પૂર્વાંક એ, સરતીનો ઉત્તરાંક બી। એ એક નંબર ઉપર અને બી બે નંબર ઉપર આપ્યો છે, તો એક અને બે નંબરના સ્તંભનો ઉપયોગ કરી સરતીના નિયમ પ્રમાણે ટીએફની ગોઠવણી કરીશું। સરતીનો નિયમ એમ કહે છે પૂર્વાંક સત્ય ઉત્તરાંક અસત્ય, તો સરતી વિધાન અસત્ય નહીં તો સત્ય। તો અહીંયા કઈ રીતે એનું પાલન બતાવશો? જુઓ બીજી હરોળ પૂર્વાંક એ સત્ય છે, ઉત્તરાંક બી અસત્ય છે બીજી હરોળમાં, તો સરતી એ સરતી બી અસત્ય બને નહીં તો સત્ય બને, બાકીના બધા ટી। પાંચમા નંબર જુઓ આધાર વિધાન છે એ સરતી બી સમુચ્ચય નિષેધ બી। સમુચ્ચયની ડાબી બાજુ એ સરતી બી ચાર નંબર ઉપર આપ્યું છે, સમુચ્ચયની જમણી બાજુ નિષેધ બી ત્રણ નંબર ઉપર આપ્યું છે, તો ચાર અને ત્રણના સ્તંભનો ઉપયોગ કરી સમુચ્ચયના નિયમનો ઉપયોગ કરીશું। ચલો સમુચ્ચયનો નિયમ મિત્રો શું કહે છે? ટીટી હોય તો ટી મૂકો, નહીં તો એફ મૂકો। અહીંયા ટીટી હોય એવી હરોળ જુઓ, પહેલી નથી બીજી નથી ત્રીજી નથી, હા ચોથી હરોળ જુઓ, બંને વિધાનો સત્ય છે અને બંને વિધાનો સત્ય હોય તો સમુચ્ચયના નિયમ પ્રમાણે સત્ય બને, પહેલાં આપણે નિયમનું પાલન બતાવીશું, બાકીના બધા એફ મૂકીશું। તો આધાર વિધાનમાં ટીએફની ગોઠવણી થઈ ગઈ। હવે ફલિત વિધાન, ફલિત વિધાન કયું છે એ? તમે કહેશો કે સાહેબ આમાં તો કોઈ, તો મિત્રો ભલે કારક ન હોય પણ અહીંયા એ સાદું વિધાન આદ્ય સ્તંભમાં તો આપેલું હોય, આદ્ય સ્તંભમાં જેવી રીતે ટીએફ જે નંબર ઉપર હોય અને જે ટીએફની ગોઠવણી કરેલી હોય એ મુજબ તમે અહીંયા ટીએફની ગોઠવણી કરીશું। તો અહીંયા એ વિધાન એક નંબર ઉપર આપ્યું છે, તો એક નંબર પ્રમાણે એક મુજબ અથવા તો એક પ્રમાણે ટીએફની ગોઠવણી કરો। એકમાં એમાં કઈ રીતે ટીએફની ગોઠવણી કરેલી છે? બે ટી બે એફ છે, તો અહીંયા પણ એવું જ મૂકો, બે ટી બે એફ। તો મિત્રો આ થયો સદ્ધતા કોષ્ટકની રચના। તો અહીંયા સદ્ધતા કોષ્ટકની રચના પૂરી થાય પછી મેં તમને કહ્યું હતું કે સૌથી અગત્યનો પ્રામાણ્યનો નિર્ણય, પ્રામાણ્યનો નિર્ણય ખોટો ના પડવો જોઈએ મિત્રો, જો પ્રામાણ્યનો નિર્ણય ખોટો પડે તો આપણને ઘણું મોટું નુકસાન થઈ જાય, એટલા માટે પ્રામાણ્યનો નિર્ણય બરાબર શાંતિથી અને શુદ્ધ બુદ્ધિથી અને બહુ જ ચીવટથી કાળજી રાખીને કરીશું। જુઓ પ્રામાણ્યનો નિર્ણય કઈ રીતે કરવાનો? મેં તમને શું કહ્યું હતું કે સત્યતા કોષ્ટકમાં આધાર વિધાનનો સ્તંભ જુઓ, આધાર વિધાન કયા નંબર ઉપર છે? પાંચ। એની બધી હરોળો જુઓ, ચાર હોય તો ચાર, છ હોય આઠ હોય તો આઠ, સોળ હોય તો સોળ, અહીંયા ચાર હરોળ છે, તો કઈ હરોળમાં આધાર વિધાન સત્ય બને છે? પહેલી નહીં, બીજી નહીં, ત્રીજી નહીં, ચોથી હરોળમાં આધાર વિધાન સત્ય બને છે। તો આ ચોથી હરોળ જ જોવાની, બીજી બધી કોઈ હરોળ જોવાની જરૂર નથી। એ જ હરોળમાં
चौथी हरोड़ में फलित विधान शू बने छे? ए जुओ अहीं एज हरोड़ में फलित विधान शू बने छे मित्रों? असत्य। शू बने छे? असत्य। तो अहीं आपणे शू जोवा मळ्युं? आधार विधान सत्य, एज हरोड़ में फलित विधान शू बन्युं? असत्य। तो मित्रों आ वात बराबर याद रखजो कि आधार विधान सत्य होय, एज हरोड़ में फलित विधान असत्य होय, आवी एक पण हरोड़ मळी आवे तो दलील अप्रमाणभूत बने छे एवो निर्णय लई शको। तो आपणे हवे अहींया निर्णय लई लईशुं कि सत्यता कोष्टकनी कई हरोड़ मुजब आपणे आ निर्णय लईशुं? तो चौथी हरोड़ में जोवा मळ्युं। तो आपणे अहींया लखीशुं कि चौथी हरोड़ में आधार विधान सत्य छे, अहींया सत्य छे एटले सत्य बताव्युं। एज हरोड़ में फलित विधान शू जोवा मळ्युं? असत्य। तो अहींया लखीशुं असत्य छे एम लखीशुं अने तेथी आ दलील शू बनी? प्रमाणभूत बनी कि अप्रमाणभूत बनी? तो शू बनी? अप्रमाणभूत बनी। तो अहींया लखीशुं अप्रमाणभूत छे। समझाय मित्रों? तो आ मुजब तमे प्रामाण्यनो निर्णय लई शको छो। तो ख्याल आयो? आ दलील मार्च 2020 बोर्डनी परीक्षानी अंदर अहींया ई विभागना 44 नंबरनी अंदर अहींया पूछायेली हती। तो मित्रों आज प्रकारनी दलीलो तमने बोर्ड परीक्षामां के 12 धोरण ने बीजा प्रकरणमांथी प्रश्न पूछाय छे। तो आनो तमारे वधारे महावरो करवो होय तो शू करशो? स्वाध्याय 2 प्रश्न 2 एनी अंदर 1-10 दलीलो आपेली छे। आ 1-10 दलीलोमांथी मैं तमने अहींया 2 समझावी, बाकीनी हजु 8 दलीलो तमे महावरो करी शको छो अने ए मुजब तमे आ प्रश्नने समजीती मेळवी शको छो। तो वधारे महावरो करशो तो तमने कोई भूल थशे नहीं। तो मित्रों अहींया मैं तमने खूब ज मोस्ट इम्पोर्टंट प्रश्ननी चर्चा करी आपणे के दलीलनी प्रातिक रजूआत करी अने सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करी दलीलनुं प्रामाण्य नक्की करो। 5 गुणना 2 उदाहरणों मैं तमने समझाव्या। तो मित्रों अहींया तमे आ प्रश्नने वधारे समझी शक्या हशो। हजु पण तमने मनमां कोई प्रश्न होय तो तमे मने कॉमेंट करी शको छो अने प्रश्न पूछी शको छो, हूँ तमने एनुं समाधान करी आपीश। मित्रों जो तमने मारो वीडियो गम्यो होय तो लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो अने हजु सुधी तमे नवा हो तो खास सब्सक्राइब करो अने एनी बाजू में बेल आइकॉन आपेलो छे ने प्रेस करो जेथी मारा नवा वीडियोना नोटिफिकेशन आपने मळता रहे। त्यां सुधी मने रजा आपशो। धन्यवाद। थैंक यू।